कांग्रेस लगातार राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया की संपत्ति को लेकर सवाल उठा रही है, तो वही सिंधिया के संपत्ति मामले पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी ने संयुक्त प्रेस वार्ता की है। सज्जन वर्मा ने कहा कि ज्योतिराज सिंधिया घबराए हुए घूम रहे हैं, सिंधिया की एक भी पीढ़ी ऐसी नहीं बची जिसने गद्दारी नहीं की। सिंधिया ने अपनी संपत्ति के बारे में कहा, ये 300 साल पुरानी मेरे परिवार की संपत्ति है, ये बच्चा बच्चा जानता है सिंधिया ने कैसे जमीन हड़पी है। वही इस मामले पर जीतू पटवारी ने कहा कि सिंधिया परिवार ने झांसी की रानी को मरवा डाला, कांग्रेस मांग करती है कि सिंधिया ट्रस्ट की जांच होनी चाहिए, हर एक संपत्ति की जांच होना चाहिए। श्रीमान ज्योतिरादित्य बाबू घबराए हुए घूम रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार की 300 साल पुरानी संपत्ति है, मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा समझ रहा है कि किस तरह धोखा देकर एक राज परिवार उन जमीनों को हथियाने का घिनौना षड्यंत्र रचता है। ऐसा विशेष परिवार जिसका इतिहास गद्दारी से लिखा हुआ है, एक पीढ़ी भी नहीं बची जिसने गद्दारी से मुंह मोड़ा। आपकी विरासत ने झांसी की रानी को मरवा दिया था, उस पर आप माफी क्यों नहीं मांगते? और यह बात हमारे से पहले शिवराज सिंह चौहान ने कही है, उनको क्या जवाब दें आप, ये स्पष्ट क्यों नहीं करते ज्योतिराज सिंधिया जी? श्रीमान ज्योतिरादित्य बाबू घबराए हुए घूम रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग। उन्होंने